नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अल्गो क्रैब के ट्रेडिंग ट्यूटोरियल के वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इंटीग्रेट करेंगे पेटीएम मनी को, यानी कि पेटीएम मनी के थ्रू हम ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करेंगे अल्गो क्रैब प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्गो क्रैब एक मल्टी ब्रोकर अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग ब्रोकर से आप अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप ज़ीरोधा, एलिस ब्लू, एंजल और पेटीएम और कोटक, ऐसे अलग अलग जितने भी ब्रोकर्स हैं जो एपीआई प्रोवाइड करते हैं वो सब हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं और उनके थ्रू आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जैसा कि पेटीएम मनी के बारे में है, तो पेटीएम मनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जो ब्रोकरेज स्लैब है वो 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ पर ऑर्डर, और इनका जो मंथली चार्जेस होता है वो 30 रुपीज़ होता है प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का। और अभी इनका ऑफर चल रहा है जिसमें कि 30 जून तक अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं और 100 ट्रेड आपकी जो है 100 ऑर्डर्स को ये ब्रोकरेज आपसे चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर सकते हैं और वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की कोई फीस भी नहीं ले रही है, 1 रुपये भी फीस नहीं लगेगी आपकी, और आपका अकाउंट ईजिली कुछ स्टेप्स में ही खुल जाएगा। मोबाइल से आप अपना अकाउंट खोल सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर अल्गो क्रैब का प्लेटफॉर्म। एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म में ऊपर ऊपर आपको 2 बटन मिलते हैं, साइन अप और लॉगिन, ठीक है। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है तो आप साइन अप के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। साइन अप के बटन पर क्लिक करने पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो डिटेल्स आप फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं साइन इन के प्रोसेस पर जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है जिसमें आप हमारे प्लेटफॉर्म की सुविधाएँ ले सकते हैं, जिसमें जितनी भी सर्विस है हमारी वो सब आपको 6 दिन के लिए फ्री मिलेंगी, किसी भी सर्विस को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ और फिर उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से प्लेटफॉर्म पे आप पेटीएम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट लॉगिन कर दिया, ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया, यहाँ पर डैशबोर्ड दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एल्गो क्रैब किस तरीके से काम करता है। एल्गो क्रैब में बेसिकली 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक उन यूज़र्स के लिए या उन ट्रेडर्स के लिए जिनको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं जो काम करते हैं, जॉब करते हैं और जिनके पास वक्त नहीं है ऑनलाइन बैठने का पूरा टाइम ट्रेडिंग करने का, उनके लिए हमने यहाँ पर बताई हैं 8 प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज, अलग अलग 8 स्ट्रेटजीज हैं हमारे प्लेटफॉर्म में जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अब क्वेश्चन बनता है कि कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है, कौन से सिंबल में काम करना बेटर रहेगा, तो उसके लिए भी हमने अपने प्लेटफॉर्म में एक प्रॉपर एक चीज़ दी है जिसको हम यहाँ पर स्ट्रेटजीज के सेक्शन में देख सकते हैं। अगर आप स्ट्रेटजीज के सेक्शन में जाएंगे और हीट मैप के सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, राइट साइड पर आपको दिखेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है। किसी भी एक स्ट्रेटजी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस स्ट्रेटजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं मनी मशीन सिलेक्ट करता हूँ, ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है और यानी कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का यहाँ पर रिकॉर्ड आएगा। अभी 15 दिन हुए हैं, 15 दिन में कौन कौन से सिंबल्स में कितनी परसेंट एक्यूरेसी आई है वो यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन है और कितने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है वो भी यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी में इसने बताया कि 100% एक्यूरेसी आई है 1 तारीख से लेके अभी 15 तारीख तक, यानी 15 दिनों में, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको कुछ और देखना है यानी 1 महीने की बजाय 2 महीने का देखना है तो यहाँ पर आप 1 मे करके इस तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं और ये उसके हिसाब से डिटेल देगा। जैसे कि टाटा स्टील में 82% एक्यूरेसी अगर आप 1st मे से लेके अभी तक देखते हो तो, और 82 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 70,278 रुपीज़ का प्रॉफिट भी है, ठीक है। इस तरीके से आप बेस्ट सिंबल सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी स्ट्रेटजी में कौन से सिंबल आपके लिए बेस्ट रहेंगे, आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप यहाँ पर देखकर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हीट मैप के सेक्शन का काम यही है कि आपको ये बताना कि कौन सी स्ट्रेटजी में कौन से सिंबल्स बेस्ट काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अगर कोई और स्ट्रेटजी भी चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंट्रामैक्स लगाता हूं मैं, ठीक है। तो ये इंट्रामैक्स में बता रहा है 64% एक्यूरेसी, 62% एक्यूरेसी और जो प्रॉफिट है अमाउंट का प्रॉफिट वो यहाँ पर दिखा रहा है 68 पॉइंट का ग्लेनमार्क में, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग आप देख सकते हैं कि कौन से सिंबल बेटर है, वो सिंबल आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस का सेक्शन है, इसमें आप किसी भी पर्टिकुलर सिंबल की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, पिछले टाइम में क्या परफॉर्मेंस रही। जैसे कि अगर मनी मशीन में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस का टैब है। इस परफॉर्मेंस के टैब में यहाँ पे टाटा केमिकल मैंने सेलेक्ट किया तो टाटा केमिकल में 200 सिग्नल में ये दिखा रहा है 59 पॉइंट्स का प्रॉफिट और 59% ही एक्यूरेसी दिखा रहा है। कब कब क्या क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ वो सब यहाँ पर मेंशन है। डेट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सिग्नल्स, प्रॉफिटेबल सिग्नल्स, लॉस के सिग्नल्स सब यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। परफॉर्मेंस के बाद आते हैं सिग्नल्स के टैब में। सिग्नल्स के टैब में आपको दिखता है कि कौन से रनिंग सिग्नल्स अभी चल रहे हैं, जो भी रनिंग सिग्नल्स चल रहे होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। जैसे कोई भी स्ट्रेटजी में सिलेक्ट करूँगा
तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये सिग्नल्स हमारे भी चल रहे हैं, डॉक्टर रेड्डी चल रहा है, MGL चल रहा है, कॉमिंस इंडिया चल रहा है, NMDC चल रहा है। तो ये जो 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 सिग्नल्स अभी चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रॉपर मिल रही है कि उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या चल रहा है, सिग्नल्स चल रहे हैं। जब इस सिग्नल्स में टारगेट या स्टॉप लॉस लग जाएगा तो ये इस सेक्शन से हटके परफॉर्मेंस के सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों स्ट्रैटेजीज का ब्रीफिंग कि किस तरीके से आप स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिंबल सर्च करना है तो किस तरीके से आसानी से आप हीट मैप के सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो कि कौन से सिग्नल्स बढ़िया काम कर रहे हैं। अब आते हैं कि किस तरीके से आपको लगाना है इनको। तो यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रैटेजी का बटन आपको दिखता है। जब आप कस्टमाइज स्ट्रैटेजी के बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप कोई भी सिंबल क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट सिंबल पर क्लिक करना है, स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पर NSE में करना है, NFO में करना है, वो आपकी मर्ज़ी, आप लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर में देखिए 22 अगस्त का है, 22 जुलाई का है, 22 जून का है, जून का कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको टाटा मोटर में करना है तो, और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी डालेंगे टाटा मोटर की, जितनी भी क्वांटिटी जो लॉट साइज़ है उसका, मान लीजिए 500 है तो 500 डालेंगे, 400 है तो 400 डालेंगे। उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, जो भी उसका क्वांटिटी लॉट साइज़ है वही डालना है, उससे ज़्यादा कम नहीं डालना, नहीं तो ट्रेड नहीं होगा। MIS करना है तो आप MIS पे सेलेक्ट कर सकते हैं, रेगुलर ट्रेड करना है तो नॉर्मल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, CNC इसमें सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि CNC सिर्फ NSE कैश के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर लगाने तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप रेगुलर ऑर्डर कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर करना है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। SL मार्केट ऑर्डर लगाना है तो उस तरीके से लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे दिए हैं, नीचे यहाँ पे मेंशन है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में कि इसमें डायनेमिक स्टॉप लॉस होते हैं, कि अलग अलग स्टॉप लॉस होते हैं, कभी 3 पॉइंट का, कभी 2 पॉइंट का, कभी 5 पॉइंट का, इस तरीके से अलग अलग स्टॉप लॉस टारगेट्स होते हैं। तो उस हिसाब से आप देख के इसको एनेबल कर सकते हैं। इसमें टारगेट 2 और टारगेट 3 नहीं लगता, इसमें सिंगल टारगेट सिंगल स्टॉप लॉस का फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेव चेंजेस कर दिया। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बाकी की जो स्ट्रेटजीज जितनी भी हैं उनमें आप टारगेट 1, 2, 3 सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर स्टॉप लॉस जो आपका 0.5% रहता है और टारगेट जो है 0.5, 1% और 1.5% रहता है। अब ये 1% और 1.5% और 0.5% जो है वो पर्टिकुलर सिंबल के प्राइस वैल्यू का होता है। मान लीजिए कोई 100 रुपये का सिंबल है तो उसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो 0.5 यानी 50 पैसे का रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ही टारगेट्स भी रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये क्रिएट करने के बाद आपको सेव का बटन प्रेस करना है। जैसे ही सेव का बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको एक सिंबल क्रिएट होकर दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ इस सिंबल को स्टार्ट करना है, स्टार्ट का बटन दबाना है। जैसे ये ब्लैक कलर का दिखेगा मतलब ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया तो अब क्या होगा, जैसे ही मनी मशीन में टाटा मोटर में कोई सिग्नल आएगा आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन आपको उससे पहले एक काम करना बहुत ज़रूरी है, वो है ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपको डेली करना होगा सुबह 8 से 9 बजे के बीच में, यानी मार्केट ओपन होने से पहले और 8 बजे के बाद। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 24 आवर्स के बाद जो है ब्रोकर्स जो है वो टोकन को इनवैलिड कर देते हैं, यानी कि अगले दिन के लिए आपको टोकन दोबारा से लेना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जाना होगा ऑथेंटिकेशन के पेज में। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के पेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर ब्रोकर सिलेक्ट करना है, जैसे कोटक या और कोई भी ब्रोकर आपका है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। 5paisa, एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, बसन, एनब्रिज, फिनवेशिया, फायर्स, इंदिरा सिक्योरिटीज, कोटक, मास्टर ट्रस्ट, पेटीएम, SAS ऑनलाइन, सेमको, ट्रेड स्मार्ट, ट्रस्ट लाइन, जीबू और जीरोदा। यहाँ पर मेरा जो ब्रोकर है वो पेटीएम है और आज का वीडियो भी पेटीएम के बारे में, तो हम यहाँ पर पेटीएम सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद आपको गेट एक्सेस टोकन पर जाना है। गेट एक्सेस टोकन पर जाने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पर। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। ठीक है, मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। जैसे मैं साइन इन पर करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक पिन डालना पड़ेगा जो मैंने जनरेट किया है। जैसे ही हम पिन डालेंगे और ये सारी डिटेल्स अगर करेक्ट होंगी तो ये हमें रिडायरेक्ट करके वेबसाइट पर ले जाएगा वापस। ठीक है, उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन पर जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टोकन है वो वैलिड है या नहीं है। वैलिडेट टोकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि टोकन एक्सेस टोकन वैलिड। ठीक है दोस्तों, एक्सेस टोकन आपको डेली लेना है, आपको सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में टोकन लेना ही पड़ेगा। अगर आपने टोकन नहीं लिया तो उस दिन आपका ट्रेड नहीं होगा। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ कि किस तरीके से काम करता है। स्ट्रेटजीज के सेक्शन में आपको जाना है, उसके बाद हीट मैप के सेक्शन में जाना है। हीट मैप के सेक्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी स्ट्रेटजी आपको देखनी है। किसी भी स्ट्रेटजी पर क्लिक करोगे उसके बारे में डिटेल आ जाएगी। सुपर ट्रेंड में सिलेक्ट कर रहा हूँ इस बार, सुपर ट्रेंड में क्या क्या एक्यूरेसी आ रही है वो सब यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, जो भी एक्यूरेसी आती है वो यहाँ पर दिखती है आपको। इसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से सिंबल्स में आपको ट्रेड करना है, जो भी आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। उसके बाद आपको जाना है कस्टमाइज स्ट्रेटजी में, जहाँ पर आपको सिंबल क्रिएट करना है। कोई भी सिंबल क्रिएट कर सकते हो आप। सिंबल क्रिएट करेंगे तो उसके बारे में आपको यहाँ पर
देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सुपर ट्रेंड, और मेरे को सिंबल लगाना निफ्टी, तो मैं यहाँ पे निफ्टी लिखा। अब ये निफ्टी से रिलेटेड सिंबल्स यहाँ पे आ गए हैं, ये देखो अलग अलग ऑप्शंस के सिंबल यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। मान लीजिए मुझे 16,300 का 2 जून का कॉल लगाना, 2 जून तो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, अब हम यहाँ पे लगाते हैं 16 का, ठीक है। 16 जून का कॉन्ट्रैक्ट जो आपको लगाना है, मान लीजिए 16,000 का लगाना, मान लीजिए 16,000 की कॉल लगानी है, ठीक है। ये 16,000 की कॉल हमने सिलेक्ट की, यहाँ पे क्वांटिटी हमने यहाँ पे डाली 50, ठीक है। 50 डालने के बाद स्टॉप लॉस ऑन मार्केट यहाँ पे सब चीज़ें की, ओके। उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद ये यहाँ पर कार्ड बन के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। तो अब जैसे ही कोई सिग्नल आएगा सुपर ट्रेंड के हिसाब से, यहाँ पर सुपर ट्रेंड का ATR पीरियड 10 है और मल्टीप्लायर 4 है, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे काम करता है, ठीक है। इस हिसाब से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। जैसे ही आपने प्ले का बटन प्रेस किया, जैसे ये ब्लैक कलर का बटन हुआ, इसका मतलब कि आपका ट्रेड अप सक्सेसफुली हो जाएगा जब भी आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आपको ऑथेंटिकेशन ज़रूर करना है। बाकी की आप डिटेल देखना चाहते हैं, ब्रोकर पैनल आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आप फंड्स देख सकते हो, ये आपके फंड्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे मेरा दिखा रहा है 998 रुपीज़ का फंड दिखा रहा है, ठीक है। ऑर्डर बुक में जाके आप देख सकते हो कौन कौन से ऑर्डर आपके लगे हैं, वो सारे ऑर्डर की डिटेल यहाँ पर है, ठीक है। पोजीशंस में जाके आप अपनी पोजीशन देख सकते हो, जैसे NSE की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने एक ट्रेड किया था, अभी कुछ नहीं है, ये ख़त्म हो गया। होल्डिंग्स में जा सकते हो आप, होल्डिंग में अभी कोई होल्डिंग नहीं है मेरी, तो ये दिखाएगा, कोई भी आपकी होल्डिंग रहेगी तो वो यहाँ पर दिखा देगा आपको। ये था स्ट्रैटेजी सेक्शन किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी चार्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और चार्टिंग प्लेटफॉर्म से सिग्नल जनरेट होके किस तरीके से आपके पेटीएम के अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कोई और वीडियो किसी और चीज़ के बारे में जाना है तो उसके बारे में बताइएगा। इसके बाद मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू आप काम कर सकते हैं, अपनी कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनवाना, कोई आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी है और उसको आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो भी हम डेवलपमेंट का काम करते हैं, जिसमें कि आप ट्रेडिंग व्यू या फिर MT4 के अंदर डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग। और जाने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और अगर आपका अभी पेटीएम में अकाउंट नहीं है तो पेटीएम में अकाउंट खुलवा लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको फ़ायदा ये भी है कि 10 रुपीज़ पर ऑर्डर की ब्रोकरेज है, जहाँ पर दूसरे ब्रोकर्स में 20 रुपीज़ की है, और साथ ही साथ 30 जून तक ये कोई ब्रोकरेज नहीं ले रही 100 ऑर्डर्स तक, तो अच्छा ही ऑप्शन है। आप अकाउंट खुलवाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।